8 फरवरी 2024, बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी दोनों ही एक ही दिन है प्रीति का, तो हमारी तरफ से प्रीति को मैरिज एनिवर्सरी की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही साथ बर्थडे की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो भैया भाभी ने कहा कि आशीर्वाद तो तब दूंगा जब तुम लोग दोगे पार्टी, और नहीं तो दे दूंगा श्राप। सॉरी ये मजाक कर रहा हूँ। तो भैया भाभी के कहने पर मुझे एक छोटी सी पार्टी रखनी पड़ी, और देखिए कोजी जो स्वीट्स है वहाँ पे हम लोग गए सेक्टर 4 में, और एक छोटी सी पार्टी जो है वो रखी गई। और देखिए इस अवसर पर जितने लोगों ने कॉल करके, फिर व्हाट्सएप मैसेज करके, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, अलग अलग तरीक़ों से सामने आ करके जिन लोगों ने भी हम सबको मैरिज एनिवर्सरी की शुभकामनाएं दी हैं और प्रीति के बर्थडे पर भी हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं, उन सभी के हम बहुत ही आभारी हैं और उनके कृतज्ञ हैं। देखिए एक छोटी सी पार्टी यहाँ पे, अभी ये है सोहन भैया, प्रीति, मंजू दी, पूनम भाभी छोटी, अभिषेक, ये है मनीष भाई, सोहन भैया, शिवम, और ये हमारा गिफ्ट है, छोटी है, खुशी है और गुनगुन भी है। बाबू इस मौके पर बहुत ही खुश है। जब जब बाबू देखता है आदर्श बाबू केक और बर्थडे पार्टी, तो उसकी तो बाँछें खिलने लगती हैं कि हाँ आज मिलेगा केक खाने को। इस अवसर पर हम लोगों को थोड़ी सी सर्दी हो गई थी, गला खिचखिच कर रहा था, फिर भी हम लोगों ने कोशिश की और ये हैं इन्होंने सर्व किया। खान पान हो रहा है, सारे लोग मगन हैं, और इस दरमियान में खाते खाते जो है वो मैं फ़ोटो भी ले रहा हूँ, वीडियो भी ले रहा हूँ। और देखिए आदर्श बाबू जो है वो मुझे, हम लोगों को जो गिफ्ट मिला है वो उसको ले करके बोल रहे हैं बार बार, पापा जी इसको खोलो, इसको खोलो। मैंने कहा बाबू ये तो सरप्राइज़ है ना, इसे घर में खोलूँगा, घर जा कर के, नहीं तो यहाँ रहकर यहाँ लोग उसको ले लेंगे। तो बाबू ने कहा कि तो चलिए घर, घर चलिए, वहाँ जल्दी जल्दी जा कर के खोलूँगा कि इसमें क्या है। तो ये पार्टी बहुत अच्छी रही, मैं उन सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ जिनको मैं इनवाइट नहीं कर सका, सभी अपने हैं। बट थोड़ी जल्दबाजी में अगली बार जो है वो 10वीं एनिवर्सरी होगी हमारी मैरिज की, तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप सभी को इस मौके पर इनवाइट कर सकूं। ये हैं इन्होंने हमें सर्व किया है, ये हैं भैया कोजी स्वीट्स के, सोहन भैया, बाबू जो है मस्त है, थोड़ा शर्मा रहा है और गिफ्ट जो है पकड़ करके बैठा हुआ है। इसके बाद हमने थोड़ा सा फ़ोटो खिंचवाई, ऐसे तो मैं अपने ब्लॉग्स के लिए अलग अलग जो भी इवेंट्स होते हैं उसकी मैं क्लिप बना लिया करता हूँ। तो सभी ने कहा कि एक कुछ जो है फ़ोटोज़ भी हो जाए ताकि लोग अपने स्टेटस में लगा सकें, तो हमने कहा चलिए ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये हमारे ही फ़ोन से कैप्चर हुए हैं, और इसलिए मैं इन सभी वीडियोस में, इन फ़ोटोज़ में मैं थोड़ा कम आया हूँ, क्योंकि मैं तो फ़ोटोज़ ले रहा था, मैं तो वीडियोस कैप्चर कर रहा था। तो देख सकते हैं सभी के फ़ोटो ज़बरदस्त आए हैं, सिर्फ फ़ोटो ही नहीं, सारे के सारे लोग जो हैं वो अपने अपने व्यक्तित्व के भी धनी हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव, काफ़ी हेल्पफुल। सभी हमारे दोस्त लोग जो भी हैं नहीं आ सके वो लोग भी काफ़ी कोऑपरेटिव, काफ़ी हेल्पफुल हैं। मैं फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ, सॉरी बोलता हूँ कि आप लोगों को नहीं बुला सका,
अगली बार कोशिश रहेगी एक ग्रैंड पार्टी करने की जहाँ पे थोड़ा सा स्पेसियस हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नए इवेंट के।